ओमनाथ उर्व मैकू ठेकेदार जी, उनकी तरफ से हुजूर 10 रुपए की नाम है। और कहना है कि लंबादार जी इस लड़की को छोड़ दीजिए अपनी बहन समझकर। अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको दोस्त है आपके प्रिया जमाल फ्लावर डेकोरेशन प्रोवाइडर आनंद कुमार और मुन्ना भाई मुन्ना बाबू जो ग्राम बिन्नवा दीनसा गौरा रावल, उनकी तरफ से आपके काम पे खुश होकर के 10 रुपए के स्पर्श नाम दे रहे हैं। अब कहना है कि लंबादार जी जो कुछ करना है चट गुरिया पट माला डारी गुरिया निकाल ले माला। मान जा मेरी बात, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं होगा तो जबरदस्ती करूंगा तो भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं कहीं की नहीं बचोगे, मान जाओ सीधे सीधे मेरी बात। जरा ऊपर वाले से तो डरो। कौन ऊपर वाला? वो ऊपर वाले अगर नीचे आ जाएंगे तो हमारे हाथ गोली खाएंगे। मान जाना मेरी जान, ऐसे नहीं मानोगी हैं? नहीं। अरे अगर ऐसे नहीं मानोगे तो मैं तुझे उठा करके ले जाऊंगा और कोई तुझे नहीं बचा पाएगा। चल चल मैं मान जाई जौन मजा राजी में है वह मजा जबरदस्ती नहीं ना। आपके कमी है आपका चेहरा मां, आपका चेहरा जैसे भदावर भैंस का चूतर। ले जाऊंगा इसके हसरी के कोठरिया में, आई के साथ करूंगा इलो इलो और ऐसे ला करके फेंकूंगा। हर रामचादी किसी के सामने मुंह नहीं दिखा पाएंगे। इसको चलता हूं लेकर। यार सार दोखी लेगा पता नहीं का करी। एक तो अनपढ़ गवार है, पढ़े लिखे हुए तो सोच विचार के काम कर रहे, अब पता नहीं सास ससुर के साथ क्या करिया। आओ चलते हैं, चल के देखते हैं उसके साथ क्या करता है। यार वही के यही के सामने वही के कच्ची उम्र है, पता नहीं ये क्या करे क्या ना करे। अरे आ मेरी जान, अरे आ नहीं पलंग पे। छोड़ दो मुझे, ऐसा आप नहीं कर सकते। अरे देखे मत दिखा मेरी छमिया। <नाए। laughs>
मजा आ गया, मजा आ गया। जुल्मी बड़ा दुखदायक हो मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हो मैं, क्योंकि नायक नहीं बल्कि खलनायक है। आप तो रमादार मजे का पसंद नहीं आ गया। पानी चलेगा अर्जुन, जो मैंने तेरे साथ में किया है, जो मैंने तेरे साथ में किया है वो किसी से कहना मत, अपनी जुबान तो नहीं खोलना, मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठाना, नहीं तो समझ ले मैं तुझको दुनिया से उठा दूंगा। बोल, किसी से नहीं कहेगी ना? आपने बहुत गलत किया है ठाकुर साहब, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज जो किया मैं सो किया, अपनी गलती की माफी मांगता हूँ, ठीक, लेकिन किसी से मत बताना है। हाँ मीना, तुम किसी से बताना नहीं। मैं गांव गांव में गली गली में आपको बदनाम करते हुए जाऊंगी ठाकुर साहब। क्या? जी हाँ। मुझे बदनाम करोगी? जी। अरे तुम अगर रोल किसी से कहोगी मुझे बदनाम करोगी तो मेरे पिताजी हमको जूतों से मारेंगे। देखो मीना, ऐसा मत करना, तुम ऐसा मत करना। हरामजादे, तूने मेरी इज्जत को लूटा है और मैं तुझे इधर से उधर, मैं तेरी इज्जत बर्बाद कर दूंगी। मैं हर गली तेरा नाम गाते हुए जाऊंगी और जहां जाऊंगी वहीं तुझे। सुन, चल यहां से निकल चलते हैं, चल यहां से निकल चलते हैं। हुजूर, नहीं तो कोई आ गया। हुजूर, लास्ट 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 लास्ट, पड़ी रहने दे, पड़ी रहने दे लास्ट। अलंबरदार, हम तो कहते कल ही चलो। किसको? यही कर। अरे तो जौन जौन जिंदा में नसीब मनेरा, कम से कम मरियम तो नसीब हो जाए। चिरकुट कहिए, चल निकल चल यहां से। ए, यहां पर रहना ठीक नहीं है। सच बहन मीना, मेरे बाप ने लिया था,
मेरी बहन ने लिया था। ठाकुर तूने जो कुछ किया अच्छा नहीं किया, मैं इसी बात तेरी हवेली आ रहा ठाकुर, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सर्दी का मौसम होने लगा, अब चलो कहीं घूमने चलते हैं। जरूर, लेकिन अभी तक नागराज वापस नहीं आया। कर जाओ सुन के, आखिर गए कहां होगा? अपने साथियों के साथ कहीं अपना मौज मस्ती करता होगा, और क्या कहूं मैं, आ जाएगा भाई, आओ इंतजार करते हैं। ठाकुर राणा, अभी तुरंत तत्काल भेजा रहा। नागराज भैया आए हैं, ओ हवेली में खूब खर्राटे लगा के सो रहे, जाओ मेरा आदेश है उसे दरबार में लेकर आओ। हे
नजर उठा कर दे। रामू के घर गया था पैसा सोल करने, क्या किया है तुमने? रामू बता रहा है कि मेरी बहन को गोली मार दी तू। क्यों पिताजी? अब आपसे हम झूठ नहीं बोलेंगे, आपसे बिल्कुल सत्य ही सत्य कहेंगे, बिल्कुल सही सही कहेंगे। मैं रामू के पास गया था, मैंने इससे पैसे की बात किया कि भैया मैंने पैसे दे दो, पिताजी ने मुझको भेजा है। फिर जानते हो इसने क्या किया? एक बार तो गया तो 15 दिन का टाइम लिया, उसके बाद फिर 15 दिन के बाद गया तो ये मुझको बहुत गालियां दिया और आपको भी गालियां दिया। और मैं तो कहा कि पैसा दो मुझे, ये कहता तो मैं कोई पैसा वैसा नहीं लाया हूँ तुम्हारे बाप से, हमारे बाप ने लाया है, बाप जाने वो जाने। तो इसने मैं उसको गुस्सा आया, मुझको मारने दौड़ा, मैं कहा पैसा लेकर जाएंगे आज, तो मुझको मारने दौड़ा। तो मेरे पास रिवॉल्वर थी, बिस्तर पे रखी है, मैं उसको यूं तान दिया इसके सामने, ऐसे ताने थे, ऐसे ताने थे, ऐसे ताने थे, कितने समय दहशत में टाइगर उसका दब गया और गोली चल गई और वो ये मर गया। देखा ठाकुर साहब, कर्ज मेरे बाप ने लिया था, मैं मानता हूं कि बेटा उसका कर्ज चुकाता, लेकिन मेरी बहन का क्या दोष था? इस हराम चादर ने मेरी बहन की इज्जत लूट लिया और मेरी बहन को जान इसने मुझको खुद गिरा गिरा के दे मारा, इतना मारा देखो ये भाग गई है। हराम चादर, ये प्रजा मेरी इज्जत करती है, मेरे मान सम्मान पे तू ने थप्पड़। ठाकुर साहब, इस तरह जूते चलाने से मेरी बहन के प्राण वापस नहीं आएंगे, मुझे इंसाफ चाहिए। ठाकुर राणा, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। कैसा इंसाफ चाहिए तुम्हें? चिल्ला रहे हो, वापस कर दो। कई मारा मार आदमी वापस होता है। जब मेरा बेटा कहता है के धोखे से कहीं टाइगर पे उंगली पड़ गई। चुप रहो, सुन लो, हमको चाहे 10 जूता मारो चाहे 20, अगर माता जी के ऊपर जूता उतार लिए ना तो नहीं समझ लो भी ठीक। देखो अपने लड़के को ठाकुर, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा तो प्रजा की इज्जत क्या करेगा? हम अपने बेटे की गलती खुद आपसे क्षमा मांगते हैं। तुम्हारी बहन को तो नहीं वापस कर सकते, लेकिन इसे क्रिया कर्म के लिए तुम्हें हम तुम्हें 50,000 रुपए दे रहे हैं। ठाकुर राणा, हम तेरे पाप दया की भीख मांगने नहीं आए, बल्कि अपनी बहन का इंसाफ मांगने आए। रही 500 रुपए बात की तो ये पकड़ो 500 रुपए और कान खोल कर सुन लो ठाकुर राणा, अगर खून का बदला खून से न चुकाया तो मेरा नाम रामू नहीं होगा, मुझे इंसाफ चाहिए। सुना 50,000? अरे क्रिया क्रम में कहीं 50,000 रुपया लगा क्या? क्या जरूरत है? अरे 1,500 की बात कर। क्या करेगा? बाप बेटे को दोनों को जान से मार डालूंगा, जान लो। ठाकुर कान खोलकर सुन लो, आज तो मैं जा रहा हूं, अपनी बहन का क्रिया कर्म तेरे खूनी पैसे से नहीं मैं खुद कर लूंगा। अगर खून का बदला खून से ना चुकायो तो मेरा नाम रामू नहीं। राम के रहम खाली भारत बनवावे परी।
अबे साले गधे की औलाद, तू जाता है कि मैं खुद चला जाऊं? हाँ मैं गधा हूँ, उल्लू का पट्टा हूँ, अनपढ़ गंवार हो, अभी तक थप्पड़ दो थप्पड़ मार देते, आज हम कम से कम 10-12 जूता मार दे। गुस्सा मार दी है अब ज्यादा नाराज को भरोसा हो गया, तुम हमारे बाप नहीं हो। हां अमा मां जिस लड़की आई हम गांव से मर गए हैं, सुन लियो हम जा रहे हैं अब। अबे साले तू चाहता कि मैं खुद चला जाऊं? तुम अम्मा को देखोगे, मैं जा रहा हूं मौसी के यहां, अभी मैं नहीं सीन नहीं रहेगी हम सारे तो। अरे तुम तो ननौरे के आए हो, चले जाओ तुम मेरे आंखों से, तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी तुम्हारा बेटा। अच्छा एक चीज बताओ, जब जब देखो जब कहियो तुम्हारा बेटा तुम्हारा बेटा, कहे तुम साझी नहीं ने कहा? तुम्हारे लाड प्यार ने उसे बर्बाद कर दिया, इतने जोर से मार दिया, अब इसमें आकर के ये नहीं समझ रहे हो कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, केवल मार दो गुस्से में। ठकुराइन हम इस वक्त बात नहीं करना चाहते तुम। सुनो कब तक ना बात करी हो, कई दिन ना बात करी हो हमसे? अरे ये छोड़ो, ये छोटे गरीब परिवार है, अरे मर गया तो मर जाने दो, उसका टेंशन क्यों पालते हो? ये तो मरना जीना दुनिया की रीत है और कहीं कुछ नहीं होगा। आओ गर्मा गर्म अपने हाथ से चाय तैयार करती हूँ, आओ बैठ के चाय पीते हैं, ठीक है? साली कुतिया गरम गरम चाय पियाएगी, इज्जत की धज्जियां उड़ा दी मेरी, इसके बेटे ने क्या कहेगी ये प्रजा? हरों ज्यादा अब मेरे पास बचा ही क्या, मेरे पास इकलौती एक बहन थी, उसे भी ठाकुर ने जान से मार दिया, आज के बाद रामू भी मर गया, आज के बाद हम अपना नाम ठाकुर राका सिंह के नाम से मशहूर करेंगे। ठाकुर राणा अगर खून का बदला खून से ना चुकाया तो मेरा ठाकुरा का नाम नहीं। Thank you.
चलो अभी तो बहुत रास्ता चलना है। अरे घरों तो लंबे है, का हिया थोड़ी रही ना हम तुम। देखो मैं सोलापुर के जमींदार राणा सिंह का छोटा पिसर मंजीत हूँ। आज मैंने बैरिस्टरी की शिक्षा प्राप्त कर ली है। अब मैं अपने वतन अपने माता पिता के पास जा रहा हूँ। सावन के झूले ने मुझको बुलाया, सावन के झूले ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर लेंगे, लेकिन हम जब घुस जाएंगे तो घुसे पड़े रहेंगे, निकलेंगे ही नहीं। निकलत दो चार छह महीना बाद ही। आइए चलते हैं, लेकिन चलते चलते कहना क्या है। अरे चारई मेहरिया ते चारई मेहरिया, जैसे ठाकुराई साहिबा ठाकुर साहब का जियरा जा रही है। अरे चारई मेहरिया ते चारई मेहरिया, रोज